हाय दोस्तों, मैं भीम सिंह रेकवार। दोस्तों, मेरे पास एक मितासी का एलईडी ट्यूब आया हुआ था। ये देखिए, इसका ये मॉडल नंबर है और ये सेट मैंने खोल लिया था। सेट पूरी तरह से जला हुआ है, रनिंग है और थोड़ा समय ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ये सेट खोल लिया था। इसका ये बैक कवर मैं निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अलग किया मैंने बैक कवर और देखिए दोस्तों, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखिए, इसमें देखिए ये पूरी तरह से जल चुका है। इसमें आप जहाँ देखेंगे तो देखिए, ये माउस पैड के पास ये यहाँ पूरा जल चुका है। तो यहाँ देखिए ये, और कैपेसिटर जो लगा हुआ है, ये वाला कैपेसिटर, ये देखिए यहाँ से ये फूल भी चुका है और इसकी सप्लाई नहीं बन रही है। तो और इसमें यहाँ देखिए, इसमें यहाँ ये कैपेसिटर भी ये फूला हुआ है। चलिए, मैं इसमें ये सारी चीज़ निकालता हूँ और इसमें जो मॉडल लगेगा वो आपको मैं दिखाता हूँ कौन सा लगेगा। दोस्तों देखिए, ये बोर्ड मैंने निकाल के टीवी से निकाल लिया और इसमें से ये लगे हुए यहाँ पे ये माउस पैड था, यहाँ पे ये माउस पैड लगा था, ये वाला ये शॉर्ट था, अलग हटा दिया। और इस पर देखिए, यहाँ रेगुलेटर लगा हुआ था, ये भी हटा दिया। और ये डायोड चेक कर रहे, डायोड सही थे। इसमें ये कैपेसिटर ये फूला हुआ था, ये देखिए ये अलग कर दिया मैंने इसको। और ये देखिए, ये माउस पैड भी, ये शॉर्टिंग था, ये माउस पैड मैंने निकाल दिया इसके यहाँ से। और ये कैपेसिटर था जो ये यहाँ लगा हुआ था, इसकी ये 5 वोल्ट सप्लाई रेगुलेट थी। इस 5 वोल्ट सप्लाई पे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये वाली 5 वोल्ट सप्लाई पे लगा हुआ था, कैपेसिटर फूल गया था, ये भी चेंज करूँगा मैं। और ये देखिए, छोटी इसकी रेगुलेटर थी, ये निकाल दी मैंने। और इसके डायोड वगैरह मैंने चेक कर लिए हैं सारे। अब मैं इसमें आपको जो मॉडल लगाऊंगा वो बता रहा हूँ कौन सा लगाऊंगा। पहले तो मैं इसके डीसी 300 वोल्ट जो सप्लाई होती है बनाऊँ, ये वाला जो कैपेसिटर है, ये देखिए, ये मैं लगाऊँगा इसको। ये 82 UF 450 वोल्ट है और इसमें जो लगा हुआ था वो देखिए, ये 47 UF 450 वोल्ट था। ये मैं ये लगाऊंगा, ये भी अच्छा कैपेसिटर है और इसमें लगते ही ये कैपेसिटर है, थोड़े से आ जाएगा साइज में। यहाँ पर लगा के कंप्लीट करूँगा मैं इसको, थोड़ा सा साइज बड़ा हो रहा है लेकिन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस है जगह इसमें लगाने के लिए। तो इसको मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो ये कैपेसिटर जो है ये निकला हुआ है, मैं आपको उसकी वैल्यू दिखाता हूँ 2 मिनट के। ये देखिए, इट्स 470 UF 10 वोल्ट है। ये जो 5 वोल्ट रेगुलेटर पे, यहाँ ही मैं आपको बता रहा था, ये यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ लगाना पड़ेगा फिल्ट्रेशन का। तो चलिए, मैं आपको मॉड्यूलर भी दिखाता हूँ अभी। और पहले दोस्तों, मैं इसको यहाँ देखिए, पीछे बैक में जला हुआ है, ये देखना पड़ेगा साफ पेट्रोल से, अच्छी तरह से मैं इसको साफ करता हूँ यहाँ से पहले, कि कोई शॉर्ट वोटिंग और ना हो उस पर। उसके बाद इसमें जो मॉडल लगाऊंगा वो आपको मैं दिखाता हूँ और ये कैपेसिटर वगैरह कंप्लीट करता हूँ इसको। दोस्तों ये देखिए, ये दो मेरे पास जो मॉडल हैं, सेम नंबर है इनका, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए नंबर, देखिए इस पर DS00088, ये खुले में आया हुआ है और ये वाला पैकेट पैक था, ये बहुत समय पहले लेके आया था मैं। ये देखिए, ये पैकेट पैक में है। इसमें एक ये है कि इसमें जो लगाने के लिए, इसको जो लगाना है उसके लिए इसमें मॉड्यूल सेम वही है। देखिए ये देखिए नंबर, देखिए आप, इसमें सेम नंबर है, कोई अंतर नहीं है, पैकिंग का अंतर है। और थोड़ा सा ये है कि आपको जो कनेक्शन के लिए दिया हुआ है, इसमें कनेक्शन जो लगाना है, ये देखिए इसमें, उसमें एक सुविधा ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें एक कनेक्शन करने के लिए इसका सर्किट प्लस लिस्ट वो दिया हुआ है, नंबर कागज़ दिया हुआ है जी, जिसमें ये डिटेल देता है कि कौन सा वायर कहाँ और कहाँ कहाँ लगाना है, किस तरह लगाना है। इसमें ये सारी ये दे रहा है, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, पूरा बता रहा है ये इसमें। देखिए येलो वायर कहाँ लगाना है, इसमें येलो वायर कनेक्ट करने के लिए
कहाँ बोल रहे हैं, देखिए आप ये कनेक्ट कनेक्शन यू मॉसफेट, यहाँ ये मॉसफेट जो मैं लगा के बताऊंगा, ये देखिए ये लो वायर इसका ये है, यहाँ लगाना है ये मॉसफेट का ड्रेन, यहाँ जहाँ पे ये 300 वोल्ट बनेंगे यहाँ पे लगाना रहेगा ये पीला वाला वायर, ठीक है जी, ये पीला वायर 300 वोल्ट पे लगाना रहेगा, इसमें पूरा पूरा लिखा हुआ है। और दूसरा इस पर वायर ब्लैक वायर लिखा हुआ है, ये ब्लैक वायर देखिए 300 वोल्ट के ग्राउंड पर लगाना है कंडेंसर के। तो ये देखिए कंडेंसर का ये यहाँ पे माइनस दिए हो, यहाँ से लगा सकते हो पिन टेक के यहाँ से ग्राउंड, और ये इसका ब्लैक वायर देखिए, ये ब्लैक वायर है, ये आप 300 वोल्ट पर दे सकते हैं। पांच तार कनेक्शन है, तो दो एक येलो वाला मॉसफेट के ट्रेन पे हो गए यहाँ 300 वोल्ट बनते हैं, ब्लैक वायर जो हो गया ये कंडेंसर के ग्राउंड पे लगाना है इसको। अब इसमें से बचते हैं आपके रेड और वाइट वायर बचता है, तो इसमें देखिए और क्या बोल रहा है ये तीसरे नंबर पे, देखिए इसमें रेड वायर VCC मॉडल इस पावर सप्लाई रेड, यहाँ पे इस पर लिखा हुआ है देखिए 12 से 18 वोल्ट यहाँ बन रहे हैं, जो इसकी रेगुलेटर जो लगी थी उसको सप्लाई देता है उसके लिए, तो ये यहाँ पे ये कंडेंसर लगा हुआ है। और यहाँ देखेंगे तो आपको दिखाऊँ मैं, यहाँ पे ये डायोड जो लगा हुआ है यहाँ पे, इसमें 12 वोल्ट से 18 वोल्ट बनते हैं, ये कंडेंसर पर लगा हुआ है, इसका देख इस तरह देख के लगा सकते हैं कंडेंसर पर वोल्टेज नाप के। तो इसमें इसका ये रेड वायर है, रेड वायर जो है ये लगाना है 12 से 18 वोल्ट पर जो बनते हैं वहाँ रेड वायर लगाना है। अब बच्चे कितने हैं इसमें, खाली 5 वायर थे, 3 लग चुके हैं, लग जाएंगे इसमें, ये देखिए 3 अलग कर देता हूँ मैं, इसमें येलो अलग कर दिया मैंने है ना, इसमें ब्लैक अलग हो गया, ये 300 वोल्ट पे, ये कंडेंसर के ग्राउंड पे, और ये 12 वोल्ट से 18 वोल्ट जहाँ बनते हैं फीड सप्लाई जो रेगुलेटर पे दी जाती है IC को, उस पे लगाना है इसको, ठीक है। अब बचते हैं दो वायर, एक वाइट बचता है, एक ग्रीन बचता है। तो देखिए अब ये चौथे नंबर पर क्या कह रहा है, यहाँ देखिए देखिए वाइट वाला वायर जो लिखा हुआ है PF वोल्टेज स्टेबल, तो ये जो ऑप्टोकपलर है उसकी पिन नंबर 4 पे इसको लगाना पड़ेगा, और जो ऑप्टोकपलर की पिन नंबर 4 पे लगाएंगे, एक जो ऑप्टोकपलर की पिन होती है वो ग्राउंड होती है 3 नंबर 4 नंबर पे वाइट वाला वायर देना है। और ये तो ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, फिर जब कनेक्शन लगाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। यहाँ से गौर से देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं इसको, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिख रहे हैं आपको, ये देखिए इस पर ऑलरेडी ये डॉट बना हुआ है, यहाँ पे देखिए ये डॉट बना हुआ है, ये एक नंबर, ये दो नंबर, उसके बाद ये 3 नंबर ग्राउंड है, और ये 4 नंबर यहाँ पे ये वाइट वाला वायर लगेगा इस मॉड्यूल का वाइट वायर, ठीक है। अब इसमें बसता है आखिरी ये ग्रीन वाला, 4 वायर लग चुके हैं, तो इसको लगाने के लिए 5 नंबर दे, ये ग्रीन दे रहा है, ग्रीन वायर स्टेबल पिन कनेक्ट टू अबाउट 300 वोल्ट कैपेसिटर, इस पर देना है, ठीक है, ये चीज़ें ये भरा है इसमें दे रहा है। तो ये यहाँ पे कंडेंसर के ऊपर यहाँ पे सीधा सीधा बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में, यहाँ पे लगाना है इसको ग्रीन वायर ये वाला, 5 वायर लगाते बता दिए, 5 वायर लगा सकते हैं, और इसमें डिस्क्रिप्शन में इसमें दिया हुआ आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका चाहे तो आपके काम आता रहेगा। ये देखिए पूरी डिटेल दी हुई है कहाँ कहाँ कैसा लग जाता है, ये देखिए नीचे ये देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहें तो, और इसमें कैसे निकाल के लगाना वो भी बताया गया है। इसमें एक नंबर जब आप वायर लगाएंगे तो मॉसफेट निकालना है, 3 वोल्ट चेक करना है, सारी चीज़ ये दे रहा है, ये आप देख के तो आपके काम आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, इसको काम आता रहेगा। चलिए तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, फिर आपको इंस्टॉल करते हुए बताता हूँ, चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों ये कनेक्शन करते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कैसे कैसे कहाँ लगाना, तो चलिए और मॉड्यूल फिर से एक बार दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए ये मॉड्यूल है DS0088, ठीक है। चलिए इसे कनेक्शन करते हैं, और पहला ये येलो वायर जो है मैं इसको ये देखिए यहाँ पे
यहाँ मॉस्फेट का ड्रेन है, यहाँ पे लगाऊंगा मैं, ये मैं यहाँ पे ड्रेन पे लगा रहा हूँ इसको। देखिए थोड़ा अच्छे से सोल्डिंग कर दें, जिसमें लिख लेना फिर ड्रेन पे लगा दिया मैंने यहाँ पे 300 वोल्ट जो बनते हैं, ठीक है। और ये ब्लैक वायर, ये ब्लैक वायर है, ये पॉजिट नेगेटिव सप्लाई पे लगाना है। तो ये ढूंढने की बजाय अभी मैं कंडेंसर के यहाँ, ये जो माइनस है यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसको, कंडेंसर के माइनस पे, ये देखिए मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने ग्राउंड दे दिया इसको 300 वोल्ट के ग्राउंड कंडेंसर, ठीक। अब ये रेड वायर जो है, रेड वायर, इस वायर को मैं यहाँ लगाऊंगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर भी। देखिए रेड वायर को मैं ये यहाँ, देखिए ये जो कंडेंसर लगा हुआ है उसके प्लस पॉइंट पे लगाऊंगा, ये डायोड जो लगा हुआ है ये डायोड के एनोड पे लगाऊंगा, यहाँ पे रोड पे प्लस वाला पॉइंट पे लगाऊंगा। तो एक ही मैं इसको लगा रहा हूँ यहाँ पे, मैं उनको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये यहाँ मैं इस पर सोल्ड कर देता हूँ, यहाँ पे लगा दिया हूँ मैंने। अब था वाइट वायर, तो ये बता चुका हूँ आपको कि एक ये देखिए ये ऑप्टो कपलर है, ये एक ये डॉट जो बना हुआ है, ये इसका एक नंबर पिन है, ये दो नंबर, ये तीन नंबर की ग्राउंड है, ये चार है, मैं चार नंबर पिन पे इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये चार नंबर पे यहाँ। ये मैंने रेगुलेटर निकाल लिया था जिससे बिल्कुल फ्री हो चुका है, कहीं इसका कनेक्शन नहीं है, जो भी जला सामान है उसको अलग कर देना चाहिए इसमें। ये मैंने चार नंबर पर इसको लगा दिया। अवस्था एक वायर, ये देखिए ब्लू वाला, ग्रीन वायर, सॉरी ये ग्रीन वायर को मैं कंडेंसर के यहाँ 300 वोल्ट बन रहा है वहाँ पे देना है, डायरेक्ट यहाँ नहीं दूंगा, यहाँ ऑलरेडी ले लीजिए फीडबैक देगा, इसको यहाँ लगाऊंगा मैं, ये कंडेंसर के प्लस पॉइंट पे ये मैं लगा चुका हूँ, ये पूरे मेरे कनेक्शन हो चुके हैं, ये कनेक्शन मैं कर चुका हूँ, देखिए सारे सारे। और ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्टो कपलर शॉर्ट ना हो, ये शॉर्ट नहीं था, मैंने चेक कर लिया था पूरी तरीके से। और यहाँ देखिए छोटा सा एक टंगस्टन लगा हुआ है, ये रेगुलेटर टंगस्टन है, अगर ये शॉर्ट होगा तो इधर सप्लाई बिल्कुल भी नहीं बनेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब मैं इसको सप्लाई देता हूँ, वो सबसे पहले मैं सीरीज में ही लगाऊंगा, उसके बाद इसको ऑन करूँगा। इसको मैंने सप्लाई दे दी दोस्तों, और मैंने मीटर को यहाँ पे 600 वोल्ट की रेंज में रखा हुआ हूँ, क्योंकि हाई वोल्टेज या कुछ हो सके, लेकिन 200 वोल्ट ज़्यादा नहीं बनेगा 12 वोल्ट से। तो मैं यहाँ से इसको नेगेटिव फ्रॉड को ग्राउंड लगा दे रहा हूँ, और यहाँ पे कंडेंस ये माउसपेड है, यहाँ पे प्लस लगा रहा हूँ। देखिए मीटर पे 13 वोल्ट बराबर दिखा रहा है, 12-13 वोल्ट दिखा रहा है, तो मैं इसको यहाँ से 200 वोल्ट पे कर दे रहा हूँ, और फिर देखिए बराबर वोल्टेज बनने लगे हैं, मतलब सप्लाई ओके लगी है, कोई दिक्कत नहीं आई। अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ टीवी पे, और आपको दिखाता हूँ इसके बाद चला के कि सेट ऑन हुआ कि नहीं हुआ, सप्लाई बनने लगी, सेट ऑन होगा बराबर 101% होगा। चलिए मैं इसको कंप्लीट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये बोर्ड मैंने कंप्लीट करके फिट कर दिया हूँ, और ये मॉड्यूल को मैंने यहाँ इस पर एक हीट सिंक काट के लगा के इस पर यहाँ कस दिया हूँ थोड़ा, कि जिसमें हीट ना खाए और ये चले, ज़्यादा हीटिंग इसकी कम हो। और फिर इस पर ये भी पेस्ट लगा दिया हूँ मैंने, हीटिंग पेस्ट, जिस पे ये कम हीट होगा। तो चलिए दोस्तों मैं सेट को ऑन करता हूँ और इसको पावर देके आपको बताता हूँ। चलिए पहले मैं देखिए, अभी तो मेन में लगा रहा हूँ, मैं चेक कर लिया हूँ, ये मेन में दिया मैंने इसको, और यहाँ दिखाता हूँ आपको, देखिए छोटा सा इंडिकेटर आ रहा हुआ ये, ठीक है, ये इंडिकेटर आ चुका है इसमें। और चलिए ये इसका ब्रेक अभी मैंने सीधा नहीं किया हूँ, और ये ब्रेक है, तो मैं स्टैंड वाइज रिलीज करता हूँ यहाँ से, ये मैंने रिलीज किया, और मैं सेट ऊपर करता हूँ। देखिए सेट ऑन होता है, देखिए मितासी लिखा आ रहा है, अभी उल्टे में दिखा आ रहा है, सीधा नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए सेट मेरा ओके हो गया है। और मैं चलिए इसको पैक करता हूँ, और फिर आपको उस पर वीडियो चला के मैं इस पर आपको दिखाता हूँ, कि देखिए सेट मेरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए दोस्तों ये देखिए वही मॉडल है मितासी का, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए ये 24 इंच का मितासी का सेट है, और ये पूरा पैक कर लिया हूँ। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑन करके आपको एक बार दिखाता हूँ, और इसमें पिक्चर भी लगा के चला के दिखाऊंगा मैं आपको।
देखिएगा, मैं इसको यहाँ से पावर दे रहा हूँ, पावर दिया, देखिए यहाँ पे इंडिकेटर आया हुआ है इसमें, और साइड में इसमें यहाँ बटन है, मैं साइड ऑन करता हूँ, इसमें ग्रीन हुआ इंडिकेटर और साइड देखिए ऑन करता। देखिए ये सेट ऑन हो गया, ये मिताची पूरा लिखा रहा है, और ये वीडियो स्क्रीन हो गई है, ए बी पे सेट है। चलिए मैं इसको यहाँ पे वीडियो देके आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने इसमें कनेक्शन भी दे दिया हूँ, और ये देखिए ये सुदीप तिवारी सुदीप चौधरी सॉरी DNA चल रहा है रात के 9 बजे के लग का। और देखिए मैं इसका साउंड भी सुना देता हूँ आपको, थोड़ा सा साउंड में बंद करके रखा हूँ, ये देख लीजिए साउंड भी बढ़िया आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, ओके चल रहा है। देख लीजिए दोस्तों किस तरह ये मॉड्यूल लगाया मैंने आपको दिखाया है, और ध्यान से देखिएगा अच्छे से लगाइएगा। और जो मेरा जो वीडियो है ये उन मैकेनिक लोगों के लिए है जो काम करते हैं, जो काम नहीं करते उन लोग के लिए नहीं है, क्योंकि कई लोग अनसीखे लोग होते हैं जो ये देख के काम करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।